खुशखबरी आई है इस लेटर में। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं एचआर तेरा इन जर्मनी। वेलकम बैक। तो आज मैं बहुत ही जल्दी रेडी हो गई हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो 8:25 हुए हैं और आज मैं ऑफिस जा रही हूँ फॉर अ चेंज। पहले मुझे ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद मेरी क्लास है 1:45 पे, एंड देन वी विल डिस्कस अदर थिंग्स लेटर। तो अभी मैंने फटाफट नाश्ता तो कर लिया, लेकिन लंच पैक करना बाकी है। तो अभी बन रहे हैं मेथी के पराठे। नाउ लेट मी गो कुक पराठास एंड देन विल पैक एंड लीव, क्योंकि अभी 10 मिनट में हमारी बस है। मैंने चेक कर लिया VRN ऐप पे, फटाफट बस लेते हैं। इससे पहले मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया है घर से लेके यहाँ तक का, सब बिना माइक के किया है। माइक ऑन नहीं था क्योंकि ये काफ़ी देर तक इनएक्टिव रहा और फिर ये ऑफ हो गया। सो वी मिस्ड आवर बस। नाउ वी आर सिटिंग ऑन वन ऑफ द बस स्टेशन एंड अभी 5 मिनट में बस आ रही है। इससे पहले हमने प्लान किया था कि हम साइकिल लेंगे, लेकिन साइकिल सिर्फ एक ही है और वो भी शायद ख़राब है। सो इट्स बेटर कि 5 मिनट में जो बस आ रही है वही ले लेते हैं। थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे आज, 9:15 तक पहुंचूंगी मैं। और मेरे सामने से बस निकली है, सिर्फ एक नहीं दो बसेस। एक बस जो मैं पास वाले स्टैंड से ले रही थी, वहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, बीच में गाड़ी आ गई, इतने में बस निकल ली। और दूसरा फिर मैं इधर वाले बस स्टैंड पर आने लगी तो यहाँ की बस भी निकल गई। वेट करते हैं अब। लो जी, आ गई है बस, 8 मिनट तक जाएगी। बैठ लेते हैं फटाफट। मेरे सामने 115 खड़ी है और मुझे भाग के ये बस लेनी पड़ी है। हो तो जो 112 नंबर बस मैंने ली थी वो 9 बजे यहाँ पहुँचा रही थी स्टार्टमिटे, और उसने एक स्टैंड पीछे रोकी। जैसे ही मैं उतर गई और मैं पैदल रन किया, क्योंकि मुझे पता था अगर वो 9 बजे यहाँ पहुँचेगी और ये डाउट 9 बजे यहाँ से निकल लेगी। सो आई हैड टू टेक दैट रिस्क और फिर मुझे भागना पड़ा। अभी बस में बैठ गए हाँ, चलो अब पहुँच जाएंगे आराम से। चल पड़ी है बस। भाई उतार दिया है इसने वर्क प्लेस पे और मेरा वर्क प्लेस है ये फ्राउनहोफर। चलो वीडियो के लिए थंबनेल ले लिया है, अभी ऑफिस चलते हैं। आई एम नॉट श्योर मैं अंदर कितना शूट कर पाऊंगी कितना नहीं, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, देखते हैं। में तो चलो अभी वापस चलते हैं, काम करते हैं। तो मैं यहाँ से 12 बजे निकल जाऊँगी, अभी 10:15 हो गया, ज़्यादा देर नहीं रुकूँगी, सिर्फ 4 घंटे ही काम करेंगे आज, फिर निकल लेंगे क्योंकि क्लास भी है। तो दोस्तों अभी है समय वापस कॉलेज जाने का। मैं रेडी हो गई वापस, फिर से अपना कोट पहन लिया है और अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज। मेरी क्लास है 12:25 हुए हैं, मेरी थोड़ी मीटिंग एक्सटेंड हो गई थी। लेट्स गो। तो भाई अंदर इतना बढ़िया मौसम था और यहाँ इतनी ठंड लग रही है, बारिश भी हो रही है, और मैंने अपने कंप्यूटर के चश्मे अभी भी पहन रखे हैं, निकालना भूल गई। हो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है,
ये देखो पीछे मेरा वर्क प्लेस, और मौसम बड़ा ही क्लाउडी क्लाउडी सा हो गया है, बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से और तगड़ी बारिश होगी। ओ इट स्टार्टेड। तो मैंने आज ऑफिस का काम किया, अच्छा रहा आज का ऑफिस का दिन, क्योंकि ऑफिस में आके मैंने अपने कलीग्स वगैरह से बात की, अपने सुपरवाइजर से बात की, तो अच्छा लगता है ऐसे कम्युनिकेट करना। ऑल्दो घर पे भी काम करके अपना ही कंफर्ट जोन होता है, बट ठीक है कभी कभार ऑफिस भी आना चाहिए, वीक में एक दिन तो आ ही सकते हैं। ओहो हो रुको अम्ब्रेला निकालती हूँ, ये किस काम आएगी। एक्चुअली मैं बस इसलिए नहीं ले रही, मैं चाह रही थी कि वॉक करूँ, पर वॉक जैसा माहौल बन नहीं रहा। खुल जा रे, जल्दी कर भाई जल्दी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके नाउ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। हाँ मेरा फोन कैमरा भी बचा हुआ है, वैसे एक ही स्टैंड दूर है मेरे कॉलेज से, ये मेरा वर्क प्लेस जो है, बट मैंने सोचा कि चलो वॉक कर ली जाए। ओ ओ, ओ ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन ठंड बढ़ गई है भाई, और ये वाली ठंड को देख के जर्मन्स कहते हैं कि अभी तो ठंड आई नहीं है। मैं कहा मारी इस समय कुकड़ी बंद ली, आगे बेरा न क्या होगा जनवरी फरवरी में। तो मैंने बिल्डिंग 34 से प्रिंट्स ले लिए हैं। यू गाइस रिमेम्बर लास्ट टाइम मैंने प्रिंट दिया था और वो मैंने पिकअप ही नहीं किया था, बिकॉज उस टाइम जो ड्रुकाउस गाबे है, जो रूम है जहाँ से प्रिंट लेते, वो बंद था। और उसके बाद मैं कॉलेज आई ही नहीं हूँ, आई थी तो पता नहीं शायद मुझे ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे 1 वीक तक या पता नहीं 15 दिन तक आपके प्रिंटआउट्स रखे रहते हैं, अगर आप नहीं पिक करोगे आके तो फिर वो फाड़ के फेंक देते हैं। तो इससे पहले कि डेडलाइन निकल जाती मैंने अपने प्रिंट उठा लिए हैं। अभी मैं जाके लंच करूँगी, आज पहली बार मैं कॉलेज में लंच बना के लाई हूँ। जाके लंच करती हूँ अभी। लो भाई बिस्ट्रो के बाहर आ गए हैं। लेकिन अंदर नहीं जाएंगे हम, यहीं पे बाहर बैठ के लंच करेंगे। लेट मी शो यू द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी। ये हमारी 47 बिल्डिंग, और उधर से शायद कहीं हमारा डिपार्टमेंट है, और ये बिस्ट्रो है 36। अच्छा मुझे नहीं पता था कि इसको बिस्ट्रो, ओ अच्छा 36 बिस्ट्रो ये बिल्डिंग नंबर होगा। यार हमको तो इतनी नॉलेज है नहीं इतने लग्जरी कैफे हाउस जाने की, तो अपन तो इसको 36 बिल्डिंग ही समझेंगे। चलो खाना निकालते हैं, ये मेथी के परांठे और दही, अभी फटाफट खाती हूँ, बहुत भूख लगी है। परांठे थोड़े से ठंडे हैं बट अच्छे लग रहे हैं, नमक मिर्च सही डाला हुआ है, टेस्टी। यू वॉन्ट टू ईट? नो। खाना खा लिया है और अभी मैं मस्त सनलाइट ले रही हूँ, बहुत दिनों बाद सूरज निकला है, कुछ ज़्यादा ही रोशनी आ रही है अब तो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, 10-15 मिनट बची है, जाके सोच रही हूँ क्लास में बैठ जाऊँ, पर ये धूप इतनी अच्छी लग रही है मन नहीं कर रहा क्लास में जाने का, बहुत टाइम बाद धूप निकली है। क्लास के बाद भी मेरे पास बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि जर्मन क्लास जो है वो 5:15 बजे और मेरी ये वाली क्लास ख़त्म हो जाएगी 3:15 पे, तो फिर उस टाइम पे थोड़ा बहुत काम वाम करूँगी, पढ़ाई वढ़ाई करूँगी। एक पोएम भी लिखनी है मुझे, इंडिशा राबंड है इधर, मतलब इंडियन नाइट है, इवनिंग है, उसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो मैं एक पोएम रिसाइट कर रही हूँ, तो उसी के लिए मुझे थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी होगी, लिखनी होगी पोएम, बस वो वाला काम करेंगे आज। चलो एक क्लास में चला, धूप चली गई है, शिली बाढ़ चलन लग रही है। चलो वो पेड़ देखियो कितना बढ़िया लग रहा है, अलग ही कलर है उसका तो। वाओ ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल। चलो अपना डिपार्टमेंट उधर है, वहाँ चलते हैं। वहाँ सामने भी देखो एक जो पेड़ है एकदम येलो हो रखा है। लुक एट दिस ब्यूटी, वाह। इसके पत्ते देखो यार कितने सारे एकदम येलो येलो, वाह।
चलो भाई। ओ यार ये क्यों बंद है? हमारा रूम तो बंद है, टाइम तो यही है। प्रोफेसर आ गए हैं। तो भाई क्लास हो गई है ख़त्म, अभी नीचे चलते हैं जाके एक कॉफ़ी लेते हैं क्योंकि बहुत ठंड हो गई है। क्लास के अंदर विंडो खुली हुई थी तो बहुत ठंड लग रही थी। ये देखो गमले कट रहे हैं पर फिर भी बहुत ज़्यादा है। हमने जाना है बिल्डिंग 46 में। ओके तो भाई इब मैंने लिखनी है पोएम, फटाफट पोएम लिखा। तो मुझे ना पोएम लिखनी थी अबाउट 5 तत्व, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2.5 या 3 के बारे में लिखा है तो काफ़ी बेटर कर लिया मैंने। मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ द पोएम तो हो गई है, आधी और घर जाके कर लेंगे। मुझे 1 या 2 दिन में सबमिट करनी है वो, और उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज का होमवर्क था वो भी अभी निपटाया है। तो अभी सारे काम हो गए हैं, बस क्लास के लिए वेट है। अभी मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो आ गई है। नॉट माई फ्रेंड बट माई फूड। शी ब्रॉट मी सैंडविच, काफ़ी मेहनत से बनाया है बेचारी ने। वाह खुशबू अच्छी आ रही है। इट्स चिकन, दिस इज माई फूड। ओ बहुत भूख लगी हुई है, ऐसा लग रहा है बुखार सा चढ़ गया। ओ कुछ ज़्यादा ही स्टफिंग कर दी है इसने। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे डिनर की ज़रूरत पड़ेगी। इट्स गुड, मैं अपनी क्लास अटेंड करूँ जाके, जर्मन की सैंडविच खा लिया पेट भर गया। चलो बाद में मिलते हैं। लो भाई पहुंच गए हाँ, स्टार्ट मिट्टे एक घर ने जान लाग रहे हाँ। ओहो देखियो किसी शीली बाल चल है। ओहो मर गए। थक गए भाई बहुत ज़्यादा। चिट्ठी आई है कॉलेज से, ये भी पढ़नी है। तो एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आई है इस लेटर में। वो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक फाइनेंशियल खुशखबरी है। तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक थोड़ा सा सब्र कीजिए। तो क्योंकि पूरा दिन बंद रहता है ये रूम, तो अब समय आ गया है लुफ्तनज़ाइद। ये देखो, यस अब बढ़िया एयर फ्लो होगा, क्योंकि मैं जब गई थी घर से तो मैं बंद करके गई थी, घुटन हो रखी थी पूरे कमरे में। अब सही रहेगा, वेंटिलेशन हो जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो। कितने सारे लोग हैं जो वीडियो देख के वापस चले जाते हैं, ऐसा मत करो, कंजूसी मत दिखाओ। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दो, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई अराइव यू गेट नोटिफाइड। ओके देन अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।